हम सब लोगों ने ये सुना है, एक्सेप्ट पीपल एज दे आर, लोग जैसे हों उन्हें यथा रूप में स्वीकार करें। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, हमें लोगों को स्वीकार करना ही चाहिए, क्योंकि लोग, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो संपूर्ण है, जिसमें कोई कमी ना हो। लेकिन अगर हमें अपने संबंधों को मधुर बनाना है और उनमें और निखार लाना है, तो सिर्फ स्वीकार करने से काम नहीं चलेगा, हमें लोगों को आदर भी देना चाहिए। डोंट जस्ट एक्सेप्ट पीपल फॉर हु दे आर, लेट अस रिस्पेक्ट पीपल फॉर हु दे आर। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी संबंध में आदर का अभाव है, तो वो संबंध नहीं है, वो सिर्फ एक समझौता है। और अगर हमें संबंध बनाए रखने हैं और संबंधों में निखार लाना है, तो हमें एक दूसरे के प्रति आदरपूर्ण व्यवहार रखना बड़ा जरूरी है। देखिए, जब आप किसी के प्रति आदरपूर्ण व्यवहार करते हैं, तो आपके अपने व्यवहार में दो तीन परिवर्तन आते हैं। पहला, आप उस व्यक्ति को ध्यान से सुनते हैं, उनकी बातों को टोकते नहीं हैं, उनको बीच में रोकते नहीं हैं, उनकी बातों पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। और आप सोच के देखिए कि यदि हम लोगों को, अपने आसपास के लोगों को, उनके वो सिर्फ बोलते ही रहें उनसे, लेकिन उनको अगर सुने नहीं, तो फिर संबंध में मधुरता कैसे रहेगी। नंबर एक। नंबर दो, जिस व्यक्ति का हम आदर करते हैं, हम उनके गुणों पर भी ध्यान देते हैं, रादर उनके गुणों की चर्चा ज्यादा करते हैं जिसका भी हम आदर करते हैं। लेकिन जिनको हम आदर नहीं करते, जिनको हमने सिर्फ स्वीकार ही किया हुआ अपने जीवन में किसी भी रूप में, उनकी हम सिर्फ कमियां देखते हैं, उनके कमियों के बखान हम बहुत करते हैं, उनके सामने भी और दूसरों के सामने भी। और आपने ये भी देखा होगा, हम इनको इतना समझाते हैं कि खुद समझा समझा के भी थक गए होते हैं, और कह भी देते हैं कि तुझे हजार बार समझाया है, पर फिर भी तुझे समझ में नहीं आता। अब आप बताइए, आपने किसी को हजार बार कुछ समझाया है और उसकी समझ में नहीं आया है, तो अब तक आपको नहीं समझ जाना चाहिए था कि इसको ऐसे नहीं समझाना है? लेकिन हम सुनते तो है नहीं ना। और जो तीसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी चाहिए जब हम आदर करते हैं किसी का, अपने शब्दों का चयन और इस्तेमाल बड़े ध्यान पूर्वक करें। जिसकी हम इज्जत करते हैं, उनसे हम बोलने से पहले सोचते हैं, अपने शब्दों को बहुत ध्यान पूर्वक चुनते हैं, और अपने टोन का उससे भी ज्यादा ध्यान रखते हैं। और आप सब लोगों ने ये महसूस भी किया होगा, कई बारी आपके शब्दों का चयन तो ठीक होता है, लेकिन यदि टोन गलत हो जाए, तो उससे संबंध में बहुत नुकसान होता है। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि सिर्फ लोगों को स्वीकार ना करें अपने जीवन में, उनका आदर भी करें। लेकिन यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि किसी का आदर करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना अनादर कराते रहें। हमें किसी भी व्यक्ति को आदरपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, तब तक जब तक कि वो हमारे आदर का अनुचित उपयोग ना करे, या हमारे आदर का ही अनादर ना करे, तब तक वी मस्ट बी रिस्पेक्टफुल। थिंक अबाउट इट।